स्वामी जी, मैं प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। ये नागपुर का सौभाग्य है कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। क्या आप ये बता सकेंगे कि नागपुर आने का आपका कार्यक्रम किस उद्देश्य से और कैसे बना? जिला नागपुर आने से पहले हमारे बच्चे पी शिवेंद्र शिवलेहा आश्रम में गए थे जी। इनकी धर्मपत्नी को तकलीफ थी जी, उनके ऊपर मानस रोग था उनको। अच्छा, उस मानस रोग के इलाज के लिए आश्रम गए थे। वैसे इनका पुराना संबंध, इनके पिताजी भी हमारे शिष्यों में से हैं, पहले से जानते थे। वहाँ जाने पर हमारी उस बच्ची को अच्छा लाभ हुआ, शांति हुई। अब भी थोड़ा सी कुछ थोड़ी सी तकलीफ अवशेष है। इनके मन के अंदर श्री प्रभु जी के चरण कमलों में प्रेम बढ़ा, योग साधन के प्रति अभिरुचि हुई। उसके फलस्वरूप उन्होंने आग्रह किया कि मैं नागपुर में आऊं और यहाँ पर योग सिद्धांतों का प्रचार होना चाहिए। अच्छा, उसी लक्ष्य को लेकर के मैं यहाँ आया और अभी लगभग 6 रोज से हम योग सिद्धांतों का प्रचार वहाँ साईं बाबा के मंदिर पर कर रहे हैं जी। योग सिद्धांत ही लोगों को बतलाते हैं ताकि योग लोगों के मन के अंदर समा जाए और योग की विशेषताएं वो जान जाए। अच्छा स्वामी जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जब योग की बात चली है तो योग के विषय में आम आदमी को पूरी जानकारी होती नहीं है और लोग गलत भ्रांतियों में ज्यादा फैले रहते हैं। कुछ योग को तांत्रिक विद्या जैसा समझते हैं, उससे घबराते हैं। कुछ योग के बारे में ये प्रचार करते हैं कि कोई भी असाध्य रोग क्यों ना हो, उसे योग से ठीक किया जा सकता है। तो ये जो आम लोगों में भ्रांतियां फैलाई जाती हैं या बढ़ा चढ़ा के बातें कही जाती हैं या गलत प्रचार किया जाता है, इसको जरा दूर करते हुए क्या आप बता सकेंगे कि योग से वास्तव में आपका मतलब क्या रहता है और आप किस तरह से लोगों को योग के बारे में जानकारी देते हैं? ये बिल्कुल बात ठीक है, लोगों के मनों में योग के प्रति बहुत भ्रांति है जी। और उसका कारण ये है, योग के कुछ सिद्धांत इस प्रकार के हैं, जो है तो कठिन किंतु फल उनका ऊंचा है। जैसे प्राणायाम है, प्राणायाम करने वाले साधक का आसन जमीन से ऊपर उठ जाया करता है। लोगों के मन में एक ये भावना रहती है, हमारा भी आसन जमीन से उठ जाए तो लोगों में हम सम्मान पा जाए और आर्थिक लाभ भी होने लगे, लोग सम्मान करने लगे। कुछ लोग भूगर्भ समाधियां लेते हैं, जमीन में गड्ढे खोद कर गट जाती हैं, उनका योग से कोई विशेष संबंध नहीं होता। कुछ प्राण शक्ति पर थोड़ा कंट्रोल होता है, किंतु वस्तुतः जो योग सिद्धांत है उससे उनका कोई खास संबंध नहीं होता। उनमें से कोई जिंदा निकल आता है, बहुत से अधिकांश मर जाते हैं जमीन के अंदर गड्ढे गड़ाए, उसका परिणाम खराब निकलता है, लोगों में योग का अपवाद होता है जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुल्फा गांजा पीते हैं, अपने आप को योगी प्रकट करते हैं, किंतु वो योगी नहीं होते, वो एक नशा करने वाले व्यक्ति होते हैं, अपने आप को योगी कहते हैं, उसका परिणाम भी खराब होता है। जो लोग नशे के द्वारा योग करते हैं उनके अंदर थोड़ी देर के अंदर एकाग्रता थोड़ी सी बढ़ जाती है, किंतु जब एकाग्रता नशा उतरता है तो उतनी ही वो ज्यादा क्षीण हो जाती है। उसके बाद उनके मन के अंदर एकाग्रता बिना नशे के आनी ही मुश्किल हो जाती, आती ही नहीं, उसकी आदत पड़ जाती है और वो इतना एक दुर्व्यसन हो जाता है, शरीर की सारी शक्तियों को खींच कर रख देता है। तो उसके बिना आदमी बहुत थोड़े दिन जिंदा रहता है और जब तक जिंदा रहता है नशे के साथ रहता है, छूट जाए तो मर जाए। हमारे पास इस प्रकार के कई व्यक्ति आए हैं जो अफीम और गांजे के आदि थे, उन्होंने हाथ जोड़े प्रार्थना की कि महाराज थोड़ा सा हमें थोड़े पैसे दे दो, नहीं तो हम कल मर जाएंगे। ऐसा ही हुआ भी, एक दो दिन उनको इधर उधर से पैसे देकर नशा कराएगा, जिंदा रहे, अंत में मृत्यु की ग्रास बन गए, वो मर गए। योग एक इतनी सरल चीज है, यदि लोग उसको जान ले अच्छी प्रकार से तो उनको योग की कठिन साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं। योग दो प्रकार से चलता है, यत्र मनोलियते तत्र प्राणोलियते, यत्र प्राणोलियते तत्र मनोलियते। प्राणलय की साधना जो है वो कठिन है, परिणाम उसका अवश्य उत्तम है, क्योंकि वो हठयोग की साधना है। हठयोग के द्वारा जो अपने आप को मार लेता है वो अमर हो जाता है, उसकी मरने की फिर हठेर मृतवासु मृतस्य मरणं कुतः। हटके हठयोग के द्वारा जो अपने आप को मार लेता है उसकी मृत्यु फिर नहीं होती, किंतु हठयोग का हर व्यक्ति अधिकारी नहीं होता। तो उसको महावीरवान होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए,
घी दूध सेवन करके प्राणायाम आदि करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये अच्छा है कि प्रत्येक साधक मनोलय की साधना करे। अच्छा। वो स्वाध्याय करे। स्वाध्याय का अर्थ होता है प्रणवादि पवित्राणाम जप स्वाध्याय मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययन व स्वाध्याय। ओंकारादि परमात्मा के पवित्र नामों का जप करना स्वाध्याय कहलाता है। या मुक्तिदाता शास्त्रों का पाठ करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना, उपनिषदों का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, ये सब स्वाध्याय। स्वाध्याय करने से मन के अंदर एकाग्रता पैदा हो जाती है। जब मनुष्य का मन एकाग्र होता है तो वो अंतर प्रकाश हो जाता है। उसकी एकाग्रता आ जाने के बाद भीतर के रूहानी दृश्य उसको नजर में आने लगते हैं। रूहानी दृश्यों का देखना मुक्ति की ओर जाना है। दृश्य के दो भाग होते हैं, एक वो दृश्य जो बाहर की आंखों से देखा जाता है, एक वो दृश्य जो भीतर की आंखों से देखा जाता है, भीतर के कानों से सुना जाता है, भीतर की चमड़ी से स्पर्श किया जाता है। ऐसे दृश्य को योगी लोग देखते हैं और उस दृश्य को देखते देखते संप्रज्ञात योग की पराकाष्ठा को पहुंच जाते हैं और वो निर्वाण पद को पा जाया करते हैं। वृत्तियां उठती उठती वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत अस्मितानुगत योग के अंदर जा करके अस्मि 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 अहम एव अस्मि इस ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। इसी वृत्ति का नाम निर्वाणोन्मुखी वृत्ति है। अस्मि 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 ऐसी योगी अनुभव करता रहता है और बाद में ये अस्मि भी जिस प्रकार से रूई के ढेर को जला करके अग्नि शांत हो जाया करती है, अस्मि प्रत्यय भी सारी वृत्तियों का उच्छेदन करके सारी वृत्तियों का नाश करके अपने आप भी खत्म हो जाता है। आत्मा केवली भाव को प्राप्त हो जाता है। उसी का नाम कैवल्य और समाधि है जो बड़ी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। और ये ठीक है कि योग साधन के द्वारा असाध्य रोगों की निवृत्ति की जा सकती है। कुछ इस प्रकार की साधनाएं हैं जिनको हर व्यक्ति सरलता से कर सकता है। कुछ ऐसी साधनाएं हैं जिनको एकाग्र मन वाला कर सकता है। जिसका मन एकाग्र हो जाता है वो तो कायाकल्प कर सकता है। उसका शरीर मन की एकाग्रता से भूत जय होने से पंच महाभूतों पर पूरा अधिकार होने से जिस प्रकार की कमी शरीर में दिखलाई देती है उसकी पूर्ति कर लेता है। बल्कि भूत जय वाले योगी जात्यंत परिणाम कर लेते हैं। एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूँ और शेर के रूप में बदल जाऊं तो शेर के परमाणु उनके शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, शेर के रूप में बदल जाते हैं। इसलिए योग से असंभव कुछ भी नहीं। योग से तो जिसके दोनों फेफड़े खराब हो गए, मरणासन पड़ा है, तपेदिक का मरीज है, योगी चाहे तो उनके संकल्प से वो ठीक हो सकते हैं। भूत जय की साधना वाले योगी उनके अंदर भी वैसे परमाणुओं का संग्रह करके उनको कायाकल्प करा करके पुनः नवजीवन दान दे सकते हैं, हो जाते हैं इस प्रकार के। जैसे मदन मोहन मालवीय ने कायाकल्प किया था किंतु कायाकल्प सार्थक कायाकल्प नहीं था। वैसे कायाकल्प तो बहुत संसार में होते रहते हैं। कायाकल्प तो जो तत्वविजयी योगी हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पर अधिकार रखते हैं, इनमें से जिस तत्व की शरीर में कमी दिखाई देती है उसी की पूर्ति करके शरीर को एक बिल्कुल नया शरीर बना लेते हैं। तो इसलिए योग से असंभव कुछ भी। वैसे योग की साधारण साधनाएं हैं, हमारा जीवन तत्व साधन है, अमर तत्व साधन है, फल तत्व साधन है और यौगिक आसन है, ये क्या नाम पश्चिमोत्तान आसन है, इसी प्रकार उत्तान पादासन है, शलभासन है, नावासन है, नाभ्यासन है, ये सारे पेट के आसन है। पेट की बीमारियां इनके करने से अवश्य ही ठीक हो जाती है। आम तौर पर लोग रोगी होते हैं, सर्वेशा में रोगाणाम निदानम कुपिता मिला, मल उनके शर में कुपित हो जाते हैं। तो हमारी रेचन क्रियाओं से, धोती से, बहुन धोती से, गजकर्णी से और इसी प्रकार से नेति से, युगल नेति से, जल नेति से, उन क्रियाओं के द्वारा उनका मलों का शोधन हो जाता है। शोधन हो जाने के बाद दूसरे जिस प्रकार से प्रमाणों का संचय किया जाता है वैसी क्रियाएं जीवन तत्व वगैरह से की जाती हैं, जिससे जीवन बिल्कुल बदल जाता है, रोगों की निवृत्ति हो जाती है। तो ये अवश्य ही ठीक है कि योग के साधनों द्वारा मनुष्य का स्वास्थ्य पूरी तरह से हो सकता है, यदि कराने वाला कोई लायक हो, योग ने जिसको समझा हुआ। देखा देखी साधे योग, सीधे काया बाढ़े। ये भी एक जरूरी बात है। जो मनुष्य नहीं जानता है मनमाने साधन की, कोई किसी को रक्तचाप बढ़ा हुआ है और उसको किसी ने शीर्षासन करा दिया, बस मौत जहर उतार दिया, मर जाएगा थोड़ी दिन। किसी को बिल्कुल रक्तचाप गिरा हुआ है और ये रक्तचाप के अंदर कह देता है शीतली प्राणायाम करो या मकरासन करो या शवासन करो, तो उसकी मारने वाली नौबत है।
इसलिए योग का वेत्ता होना चाहिए, योगी खासलों को जो जानता हो, उनके परिणाम को जानता हो, उनके फल को जानता हो, वो अवश्य ही शरीरों के अंदर परिवर्तन कर सकता है। हम यहाँ पर प्रातःकाल योग चिकित्सा करते हैं, बहुत लोग आते हैं, कई सौ की तादाद में आते हैं, हमारे ब्रह्मचारी भी इतने नहीं है सबको साधन कराया जा सके। जल्दी जल्दी हम पर्ची लिख कर देते हैं, साधन तो ठीक लिखे जाते हैं किंतु वो कर सकेंगे तो उनको लाभ होगा, नहीं कर सके तो नहीं लाभ होगा। आमतौर जनता के अंदर एक ऐसी बात सी बन गई है कि वो प्रसाद मात्र से ठीक होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गुरु जी कोई फूल पत्ती दे दें सब ठीक हो जाए। फूल पत्ती से भी ठीक होते, बिल्कुल ठीक होते हैं मानस रोगी, जिनके ऊपर भूत प्रेत आदि की मानस रोग है, हम प्रसाद देंगे वो ठीक होंगे, जरूर अवश्य ही ठीक होंगे, परिणाम कल ही दिखाई देगा। किंतु हर व्यक्ति फूल से ही ठीक हो ये भी कठिन बात है ना, कर्म भोग भोगे वो फूल हम देते रहे उनको ठीक करने के लिए। तो इसलिए दादा जो कायदे से साधन करते हैं, अनुरूप साधन करते हैं, योग साधन से अवश्य ही लाभ होता है, उनको फायदा होता है। नहीं नहीं, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि योग की साधना करने के लिए एक बहुत ही अच्छा गुरु शिक्षक बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आजकल विज्ञापन कुछ मैंने अखबारों में और किताबों में देखे हैं कि योग के बारे में तरह तरह की किताबें छापी जा रही हैं, और लोग कहते हैं आप उन किताबों को पढ़ लीजिए और योग कर लीजिए, तो आपका कहना तो ऐसा हो गया कि वो किताबों से आदमी योग नहीं सीख सकता जब तक गुरु ना हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, किताब बैठ कर नहीं करना चाहिए जी। किताबों में तो लला किताबें बनाने का तो एक व्यापार चल गया दुनिया के अंदर, योगासनों की तस्वीरें ली और किताबों के अंदर रख दी, परिणाम कई किताबों के अंदर लिखे, तो जिन जिन किताबों के अंदर योगासनों का जो फल लिखना चाहिए था वो ने लिख करके बिल्कुल गलत लिखा, और वैसा जो कई करेगा तो अंधे ने नहीं माना यथा अंधा, एक अंधा जैसे दूसरे अंधे को ले जाया करता है, सब कुएं गिरते चली जाएगी, उसको फायदा नहीं उठा सकेंगे। कल ही परसों में एक किताब के अंदर देखा कि जिसको रक्तचाप पड़ जाए उसको सर्वांग आसन करा देना चाहिए, मैंने कहा ये ठीक, मारने का तरकीब ये ठीक है, किसी को मारना हो तो रक्तचाप बढ़ जाने पर सर्वांग आसन और शीर्षासन का उपदेश कर दे या प्राणायाम का कर दे, बस वो यदि कल बढ़ता है तो आधे घंटे भर मर जाए। तो इसलिए किताबें लिखने का तो एक रीति रिवाज सा ऐसा निकाल लिया लोगों ने कि वो स्टेशनों पर पुस्तकें बुक स्टालों में पुस्तकें बिकती हैं, वहां पुस्तकों को लगा देते हैं, उनका मूल्य रख देते हैं ज्यादा, उसके अंदर वो थोड़ा बहुत कमीशन वगैरह उनको देते हैं, उनकी पुस्तकें बिकती रहती हैं, लाखों का व्यापार हो जाता है, साल में अगला मरे या जिए उनसे किताबों को क्या, किताबों वालों से क्या मतलब। तो इसलिए केवल मात्र जो व्यक्ति योग का वेत्ता हो, जानता हो अच्छी प्रकार से और दावे के साथ कर सके कि हम करेंगे इसको ठीक, उससे कराना चाहिए और उसके सामने कराना चाहिए। ऐसे भी नहीं हो सकता जल्दी, जैसे हम 7 रोज के लिए नागपुर आए, 7वें रोज चले जाएंगे, हमने हजारों व्यक्तियों को साधन बतलाए, वो हजारों व्यक्ति साधन सारे समझेंगे या नहीं समझेंगे कह नहीं सकते, किंतु जिन्होंने समझ के क्रियाएं की है, नीति वगैरह की है, तुम उनसे बातचीत करके देखना अवश्य ही लाभ हुआ, ऐसा लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। जो श्वास के रोगी हैं उनको नीति कराई, धोती कराई हमने, जरूर लाभ होगा। और श्वास रोगों के अंदर भी जिनको दीर्घ श्वास है, रक्तचाप जिनके अंदर जलीय भाग कम हो गया है, खत्म हो गया है, उनको धोती नहीं करानी चाहिए, उनके लिए दूसरे साधन है, उनके लिए क्या नाम दुग्ध पान कराना चाहिए, दुग्ध नीति करानी चाहिए, और इसी प्रकार दूसरी क्रियाएं हैं, कच्ची सब्जियां खिलानी चाहिए, घिया खिलानी चाहिए, जिससे जलीय भाग की पूर्ति हो और श्वास ठीक हो जाए। तो इसलिए समझ कर कराने वाली क्रियाओं से अवश्य ही लाभ होता है, हमारा अनुभव है, जो समझी हुई क्रियाएं करेंगे उनका अवश्य जरूर योग से फायदा होता है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल एक ऐसा प्रयास चल रहा है कि स्कूल और कॉलेजों में योग की शिक्षा बच्चों के लिए अनिवार्य की जा रही है। मैं समझता हूँ वैसे ये अच्छा प्रयास जरूर है, लेकिन उसको सिखाने वाले कौन लोग होंगे और उससे फिर उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ठीक है दादा, ये हमारे विश्वायतन योगाश्रम से हमारी योग परिषद है वहाँ पर, सेंट्रल रिसर्च काउंसिल, उसका अध्यक्ष भी हम ही है और उसके डायरेक्टर हैं ब्रह्मचारी धीरेन्द्र स्वरूप। धीरेन्द्र स्वरूप ने, ब्रह्मचारी धीरेन्द्र स्वरूप ने योग का ये बहुत प्रचार कर दिया है,
और हरेक क्रियाएं छोटी मोटी सब स्कूलों में लगा दी, बजरोली खेतरी गुजरी आदि सब का कर दिया उन्होंने प्रचार। यद्यपि हमारे शास्त्रों के में एक नियम और चलता है, और वो नियम ये चलता है कि अधिकारी को ही देनी चाहिए। अच्छा, अधिकारी शब्द का अर्थ है कार्य आरम्भ सामर्थ्य, जितनी जिसके अंदर योग्यता। यदि एक व्यक्ति एक बच्चा 2 साल का है, उसके सिर पर हम 10 सिर वजन रख देंगे तो मर जाएगा, दब जाएगा। एक आदमी यदि कदाचित नमूनिये का है, सन्निपात का रोगी है, और उसको खुराक दे दी जाएगी, हलवा खाने के लिए मालपूड़े खिला दिए जाएंगे, तो जल्दी मुक्ति होगी, छूट जाएगी उसके ख्याल। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का एक सिद्धांत और भी है, और वो ये है कि जितना जो अधिकारी हो उतना ही होना चाहिए। स्कूलों के अंदर ये किसी प्रकार से नेति, धोती, बजरोली, सहजोली, अबरोली, खेचरी, भूचरी आदि कठिन मुद्राएं जो हैं, या ऊंची ऊंची धारणाएं जो हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे अधिकारी नहीं होते, वो इससे कोई लाभ भी नहीं उठा सकते। और इतने हमारे पास प्रचारक भी नहीं है, जो योग का प्रचार करते हैं उनको भी क्रियाएं आती नहीं होती, वो भी नहीं जानते किसी प्रकार से। दिल्ली में एक बार वर्ल्ड योग कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हम भी गए थे, हम बुलाए गए थे, उसके अध्यक्ष थे मिस्टर कॉस्टोफिस इंग्लैंड के। तो उन्होंने मेरे सामने एक सवाल रखा कि ये बतलाइए योग यूनिवर्सिटी कहाँ कायम की जाए, भारत में की जाए, इंग्लैंड में की जाए, जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में कहाँ किया जाए। तो क्योंकि वो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि विदेश में होनी चाहिए, कहीं भी भारत में तो नहीं योग यूनिवर्सिटी की आवश्यकता। सभी लोग अपना अपना जवाब दे रहे थे, हमने उसका जवाब दिया। हमने उनसे कहा कि योग यूनिवर्सिटी बिल्कुल विदेश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विदेशी लोग योग की परिभाषा भी नहीं जानते। यहाँ मेरे सामने जितने विदेशी बैठे हैं, एक भी व्यक्ति यदि योग की परिभाषा ठीक बतला देगा, योग का लक्षण ठीक बतला देगा, तो हम समझ लेंगे कि वो योग विश्वविद्यालय जो है भारत से बाहर कहीं भी कायम किया जा सकता है। योग शब्द भारत का है, भारत के लोगों ने योग को सीखा है, भारतीय लोग योग को जानते हैं, और अब भी विदेशी लोग योग की शिक्षा भारत में आकर के पा रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आए। वही कोस्टोफिल हिस्स जिसने ये बात कही थी वहां, उसका पत्र मेरे पास अभी तक रखा है। उसने इंग्लैंड से मुझे पत्र लिखा था कि हम सारे विश्व के 35 विद्यार्थी आपके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आना चाहते हैं, आप लिखिए कि हमें वहाँ क्या सुविधाएं मिलेंगी। हमने उसको लिख दिया, भाई गऊ का दूध पीने के लिए मिलेगा, खाने के लिए गेहूं का अन्न मिलेगा, चावल मिलेंगे, विदेशियों को आराम पूर्वक रखेंगे, और क्या नाम, हमारी भी कुछ शर्तें हैं कि मांस खाने वाले को बिल्कुल नहीं रखेंगे, शराब पीने वाले को अपने आश्रम में बिल्कुल नहीं रखेंगे, वो आगरे में रहे, सीखने के लिए आ जाए, हम सिखा दिया करेंगे। फिर उसने एक दूसरा सवाल किया था, क्या हम विदेशी लोग अपने टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, अपने समय पर चलते हैं, एक मिनट भी अपना समय खराब नहीं करना चाहते, क्या भारतीय लोगों का ये रिवाज है कि वो बसों को खड़े खड़े 2-2, 4-4, 10-10 घंटे खराब कर देते हैं, समय निकल जाता है, क्या आप भी हमारे समय को खराब तो नहीं करेंगे? बस ये प्रश्न मुझे उसका जरा चुप गया, बुरा सा लगा। मैंने उसको लिख दिया कि हाँ मैं भारतीय हूँ, हम लोग समय खराब करना तो जानते हैं, किंतु विदेशी लोगों को अपना समय खराब करना नहीं चाहिए। मैं भी एक साधु हूँ, ऐसे देश में मेरा जन्म हुआ है। एक भारतीय साधु ने अमेरिका में जाकर के 3 मिनट का समय उसको भाषण के लिए दिया गया था। 3 मिनट का भाषण देते देते 3 दिन तक लगातार विदेशी भेड़ बकरी की तरह उसके पीछे पड़ते रहे। विदेशियों को ये ख्याल भी नहीं रहा कि हमारा समय खराब हो रहा है। 3 दिन अपना समय बर्बाद कर दिया एक भारतीय साधु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मैं भी एक भारतीय साधु हूँ जिससे तुम शिक्षा लेने के लिए आते हो, तो इसलिए मैं तो तुम्हारा समय खराब नहीं करूंगा, किंतु हो सकता है तुम अपना समय खराब कर डालो, ऐसी बात हो सकती है। वही दिल्ली के अंदर बनी, दिल्ली के अंदर कॉस्टोफे हिल्स तो वहां के प्रधान थे सब उसके कॉन्फ्रेंस के, और एक प्रोफेसर सिडनी रूस के, ये दोनों हमारा बहुत विरोध करते थे। तो हम अपने बाहर ग्राउंड में बैठे थे, हमारे बच्चे सब ध्यान में बैठे थे, अच्छी अच्छी स्थितियां सबकी बनी हुई थी। कॉस्टोफिल हिल्स ने सिडनी को भेजा कि तुम जाकर देखो ये क्या फूल जैसा देते हैं, क्या होता है इनके फूल, देखते हैं जाकर के क्या है इनके अंदर। प्रोफेसर सिडनी आया, रूस का प्रोफेसर था वो, उनकी सभा का समय था उसी समय 15 मिनट के बाद। हमने उसको प्रसाद देख बैठा दिया,
चार घंटे तक उसका मुख ऊपर की ओर खुल गया, वो नहीं उठा उठाने से भी। तो अंत में कौशल भेज ने संदेश भेजा, भाई इसको भेजो, इनका तो समय सारा निकल गया है, उसके बाद दूसरे मुल्कों का समय है, इनके जो रूस के जितने विद्यार्थी आए थे कोई कुछ नहीं दिशा, इनको जल्दी भेजो। हमने कहा भाई कौशल फिर इसको उठा के ले जाए, वो उठाने के लिए आप ही भेजिए इनको। मैंने कहा देखो भाई मैं भारतीय साथ हमें समय खराब करना आता है, इसका समय हमने खराब कर दिया, तुम विदेशी हो उसको उठा के ले जाओ, तुम उठा सकते हो, तुम्हें समय का सदुपयोग है, अपने इसको उठा ले जाओ। वो उसको हिलाते रहे, कोस्टल फिर करते रहे, किंतु वो नहीं उठा बिल्कुल भी। फिर कहने लगे कि आप उठा दिए, मैंने कहा हाँ हम तो उठाई देंगे, हम तो भारतीय हैं। इसी प्रकार हमने विदेश में समय खराब किया था, तीन दिन तीन मिनट के भाषण में तीन दिन खराब किए थे वही हम भी। तो इसलिए तुमने तीन मिनट के लिए इसको भेजा था, हमने पांच घंटे इसलिए खराब कर, अब तुम ले जा। जब कोस्टो फिल्म के उसको हमने उठाया प्रोफेसर सिडनी को, उसने भरी स्टेज में जाकर के कहा कि हाँ बस हमें योगी मिले हैं, योग यहाँ से मिला है, भारत में योग है, बड़ी बढ़ाई की। तो इसलिए हमने उनको कह दिया कि भारतीय शिक्षा जो है योग की है, भारत में योग है, एक देश प्रसूत सका साधक धर्म ने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण सर्व मानवा, भारत देश भर का गुरु है, भारत से शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी बार बार आएंगे, अरब बताएंगे, इसलिए योग यूनिवर्सिटी कायम की जा सकती तो भारत में ही की जा सकती है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते रहे, विदेशी योग यूनिवर्सिटी कायम करने के अधिकारी इनको योग आता नहीं, योग की परिभाषा आती। तो इसलिए योग का शिक्षक, योग का वेता जो क्रियाएं करेगा कराएगा उससे अवश्यम अवश्य लाभ होगा, जरूर ही लाभ होगा। ये दूसरी बात है, वो बिजनेस मैन जिनको कहते हैं, हाँ उसके छापली बुक स्टालों के अंदर बिक रही है, साल भर में 10-20-50 हज़ार रुपया मिल जाता है, गलत लिखा जाए या सीधा लिखा जाए, परिणाम कुछ भी रहे, इसलिए पुस्तकों के आधार पर योग नहीं करना चाहिए, अच्छे शिक्षक के अधीन होकर के योग करना चाहिए, वो अवश्य योग करा सकते हैं और योग से जरूर ही शांति मिलेगी, मानस शांति भी और शारीरिक शांति। स्वामी जी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि योग को आप किस दृष्टि से देखते हैं, योग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या योग ईश्वर की प्राप्ति के लिए? लला योग ईश्वर की प्राप्ति के लिए है जी। शरीर को ठीक रखना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर जड़ है धर्म साधन के लिए, शरीर ठीक नहीं होगा तो ईश्वर की प्राप्ति की नहीं जा सकती। हमारे योगासनों के अंदर ये विशेषता है, एक भी आसन को हम करेंगे वो आसन शारीरिक लाभ भी पहुंचाएगा और पारमार्थिक लाभ भी पहुंचाएगा। अच्छा देखो उसके अंदर दो बातें छुपी रहती है, हमने कि हमारे आचार्यों ने सिद्धासन का उपदेश किया या पद्मासन का उपदेश किया, उसके अंदर साथ ये लिखा रहता है कि मेरुदंड को सीधा रखो, समम काय शिरो ग्रीवम स्वम दिशानम लोकयन, सम शरीर ग्रीवा और काया सबको सब भाग में रख करके अपनी दिशा प्रदिशाओं को न देख करके सिद्धासन लगा करके मनुष्य बैठे। सिद्धासन लगाने से या पद्मासन लगाने से हमारा अग्न्याशय और क्या नाम आंतों की तकलीफें और शरीर की दूसरी तकलीफों को आराम होगा, प्राण की गति से, प्राण जो है प्राण अपान आते जाते रहते हैं, अपाने जुहती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणा, हमारे शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों के अंदर प्राण काम करता है, समान वायु नाभि मंडल में काम करता है, प्राण हृदय देश में काम करता है, दान कंठ देश में काम करता है, अपान गुदाद्वार में काम करता है, समान वायु सारे शरीर में काम करता है। यदि हम एक आसन लगाकर बैठते हैं और उसके अंदर हमने उद्यान बंध लगाया और जलंधर बंध लगाया, तो उद्यान बंध से समान वायु समान दया ज्वलनम, समान वायु अपना काम करती है, शरीर के अंदर एक अग्नि ऐसी काम पैदा हो जाती है जो षडाशय को बिल्कुल ठीक कर डालती है। तो इसलिए यदि हम सिद्धासन करते हैं या पद्मासन करते हैं तो दोनों उनके करने से पारमार्थिक लाभ ये होता है कि मेरुदंड सीधा रहता है, मेरुदंड के अंदर सुषुम्ना नाड़ी होती है, सुषुम्ना में प्राण चलते हैं तो एकदम मन एकाग्र होता है, समाधि लगने लगती है, ये तो उसका ये लाभ हुआ। और आशय शुद्ध हो जाने से, समान वायु के प्रदीप्त हो जाने से, अपान वायु के बाहर निकलने से और उद्यान बंद आदि लगाने से अपने आप ही अग्नि प्रदीप्त होती है, शारीरिक लाभ भी हुआ। एक मनुष्य पश्चिमोत्तान आसन करता है,
पश्चिमोत्तानासन करने से वायु का पश्चिम बहन होता है। पश्चिमोत्तान का अर्थ यह है जिसमें पिछला भाग जो है वो उतार दिया जाए, वायु का पश्चिम बहन होता है। पश्चिम बहन होने से मन के अंदर एकाग्रता आती है, पश्चिम बहने से बहन होने से यकृत और प्लीहाएं अपने आप ठीक होती है। यकृत की बीमारी, प्लीहा की बीमारी, तिल्ली की बीमारी ठीक होती है, आमाशय ठीक होता है, अग्न्याशय ठीक होता है, मलाशय मूत्राशय शुद्ध काम करने लगते हैं। तो इसलिए हमारा जितना यौगिक व्यायाम है वो परमार्थ से भी संबंध रखता है और इस लोक से भी संबंध रखता है, वो मोक्ष का दाता भी है। यदि एक मनुष्य केवल मात्र कुछ न करके सीधा बैठा रहे या सीधा लेटा रहे तो उसके मन के अंदर अपने आप एकाग्रता आ जाएगी। बिना प्रयास के मन के अंदर एकाग्रता आएगी और एकाग्रता आ जाने के बाद उसी को संप्रज्ञात योग कहते हैं। वो संप्रज्ञात योग उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते अश्मी प्रत्येक पद के लिए आता है। अश्मी प्रत्येक के अंदर जाकर के योगी के अंदर केवल एक ही वृत्ति अवशेष रह जाती है, वो अश्मी अश्मी। वो भी जिस तरह अग्नि आग की एक चिंगारी सारे ढेर को जलाकर खुद शांत हो जाती है, वो शांत हो जाती है और आत्मा के उन्हीं भाव को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यौगिक व्यायाम लोक और प्रलोक दोनों के लिए पूर्ण हितकर है। पारमार्थिक लाभ भी होगा और अलौकिक लाभ भी योग व्यायाम करने से जरूर। एक खुलासे के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आमतौर से लोगों में जो भ्रांतियां फैलती हैं उसकी तरफ मैं जरा आपका ध्यान खींचूंगा। कुछ लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर अपने आप को योगी कहते हुए अपने शरीर के विभिन्न भागों से, खासतौर से गुप्तांगों से, कुछ ऐसे अजीब कर्तव्य दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं ये हमारी योग साधना से हमने बल प्राप्त किया है। इसको मैं योग शक्ति न मानते हुए एक भद्दा प्रदर्शन और पैसे कमाने के कुछ घटिया तरीके मानता हूं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है ये बात। ये केवल मात्र वो बिजनेस का एक ढंग है। गुह्यांगों का अंतर कर लेना काचपी मुद्रा के द्वारा मूत्र इंद्रिय को भी अंदर से कोटा जा सकता है, दूसरे दूसरे कार्य किए जा सकते हैं, किंतु उसका अर्थ ये नहीं कि वो योगी हो गए, उनकी समाधि लग गई या उनको आत्मदर्शन हो जाए, ये कुछ भी बात नहीं होती। वो केवल मात्र प्रदर्शन होता है। जो लोग उन क्रियाओं को नहीं जानते, नहीं कर सकते, वो उनके चक्कर में पड़ते हैं, वो समझते हैं कि ये योगी हैं, इसलिए उनके ऊपर निछावर करते हैं, पैसे देते हैं और वो इकट्ठा करके उसके खाते पीते हैं, ऐश उड़ाते हैं, हर एक प्रकार के प्रपंच बाद में करते हैं। ऐसे लोगों को एक भी पैसा नहीं देना चाहिए, बड़े शीर्ष आसन लगा के कोई फायदा नहीं उनकी देने। इसलिए ये तो एक मिथ्या प्रचार है, योग का एक अपमान है। इस प्रकार से जो प्रदर्शन करते हैं वो योगी नहीं, वो योग को जानते न, उनको योग का ज्ञान कुछ नहीं। अच्छा एक चीज और साहब, मैं वैसे माफी चाहता हूँ आपका वक्त ज्यादा ले रहा हूँ। नहीं दादा, नहीं कोई बात नहीं। ये योग को तांत्रिक विद्या के साथ कुछ लोगों ने जोड़ा है और जहां तक तांत्रिक विद्या का सवाल है उसके अंदर तो मांस मछली मदिरा और नारी शरीर इनको मुख्य रखा जाता है। और आपने अभी कहा कि जो लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं उनको योग की साधना हो ही नहीं सकती, तो वो जो तांत्रिक लोग कहते हैं कि हम योगी हैं और उनके यहाँ मांस मदिरा सबसे पहली चीज मानी जाती है, तो उसमें और आपकी योग साधना में क्या फर्क है? लगा देखिए बात ऐसी है कि मांस मदिरा का सेवन करने वाले जो लोग हैं सिद्धियां तीन प्रकार की होती हैं। कुछ सिद्धियां तो ऐसी होती हैं जो तमोगुण से संबंध रखती है, जैसे मांस मदिरा खाने वालों के, मांस खाने वालों को शराब पीने वालों का भी मन थोड़ा सा एकदम उन्मत्त से हो जाते हैं, एकाग्र सा रहता है। ऐसे तामस मंत्रों का जाप करते हैं, छोटी मोटी ताकत अंधकार प्रधान ताकतें आ जाती हैं, किंतु वो बिल्कुल निम्न श्रेणी है, उससे मनुष्यों का पतन हुआ करता है। वो योग साधन से बिल्कुल भिन्न है। योग के अंदर तो सत्य आचार ब्रह्मचर्य और नियमानुवर्तिता बहुत पक्की होनी चाहिए। योग साधना करने वाला ब्रह्मचारी होना चाहिए, योग साधना करने वाला सात्विक सेवन करने वाला चाहिए होना चाहिए, दूध घी का सेवन करने वाला होना चाहिए, शुद्ध फल खाने वाला होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहिए, सत्य अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा अहिंसक होना चाहिए। जो आदमी मांस खाएगा हिंसक पहले बन जाएगा, योग उसके अंदर कहाँ से आएगा?
जो आदमी सत्यवादी होगा उससे अनृत के आचरण नहीं बनेंगे। जो आदमी अस्तेय नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, ऐसे काम चोरी से किए जाते हैं, सबके सामने कोई करने भी नहीं देगा। और ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करेगा उससे नारी का क्या संबंध? नारी नूरी का संबंध तो व्यभिचारियों का संबंध होता है, ब्रह्मचारियों को नारी से क्या संबंध, उनका उससे कुछ संबंध नहीं होता। अहिंसा सत्यास्ते ये ब्रह्मचारी अपरिग्रह, जो अपरिग्रह रहते हैं, बुभुक्षता जिनके अंदर नहीं होती, वो इस प्रकार के प्रदर्शन को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए तांत्रिक साधना के अंदर मांस शराब आदि का सेवन करके या इस प्रकार ये जैसा तुमने कहा है नारी आदि का उपयोग करने वाला, ये एक तमोगुण से रखने वाली साधना, तमोगुण और रजोगुण से संबंध रखने वाली साधनाएं हैं। छोटी छोटी ताकतें हो जाती इन लोगों के अंदर, किंतु योग से इसका कोई संबंध। अच्छा, महात्मा गांधी भी वैसे तो ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया करते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य के बारे में लोगों की धारणाएं बड़ी अलग है। आपने जैसे कहा पूर्ण ब्रह्मचर्य, तो क्या इसका मतलब यह है कि मनुष्य को अपने परिवार से अलग होके पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, या उसका क्या वास्तविक रूप है जरा बताइए। नहीं नहीं नहीं, परिवार से बिल्कुल अलग होने की आवश्यकता नहीं। ये ठीक है, हमारे ऋषि मुनियों ने चार आश्रम कायम किए, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम इसीलिए कायम किया गया, उसके अंदर पूर्ण ब्रह्मचारी लेकर के एक बच्चा या कोई बच्ची अपने अंदर शक्ति को भर ले पूरी तरह, उसको वासना का दर्शन बिल्कुल न कराया जाए, उसको साग पात खिलाया जाए, गौ का दूध पिलाया जाए, और उसको प्राणायाम आदि की साधनाएं उस ब्रह्मचर्य अवस्था के अंदर कराई जाए जब तक कि उसने वासना देखी ही नहीं। इस प्रकार का जो पूर्ण ब्रह्मचारी 25 साल तक रह जाएगा, उसके बाद वो पत्र की ओर आता ही नहीं, चेतने ही वो बिल्कुल नहीं आता, उसकी इंद्रियें ऐसी हो जाती हैं, यदि वो गृहस्थ में आकर के संतानोत्पत्ति के लिए संपर्क करता भी है तो बस वो संतानोत्पत्ति के लिए संपर्क करता है, वासनिक लालसा उसके मन में होती। इसलिए हमारा सिद्धांत ये है हमारे आचार्यों का, ऋतुकालाभिगामी स्यात् सुधार निरत सदा ब्रह्मचारी एवं भवति यत्र तत्र आश्रमे वसति। जो ऋतुकाल के समय गमन करने वाला है, बच्चों संतानोत्पत्ति के लिए गमन करता है और स्वदार निरता है, अपनी स्त्री के अंदर प्रेम रखता है, वो ब्रह्मचारी ही होता है, वो उसका पतन बिल्कुल नहीं होता। एक और सिद्धांत की चीज है कि जहां पर पति और पत्नी के अंदर बराबर प्रेम रहता है वहां शक्ति क्षीण नहीं होती, शक्ति क्षीण नहीं होती, थोड़ा वो जो कुछ होता है उसकी पूर्ति तत्काल हुआ करती है, उसके अंदर ब्रह्मचर्य कायम रहा करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम को जिसने पूर्ण रूपेण कायम कर लिया है, वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके भी केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही गृहस्थ में प्रवेश करता है, उसको वासनिक सुख होता ही नहीं जाता, थोड़ी बहुत देर के लिए क्षणिक उसी समय होता है जिसको वो अपने ब्रह्मचर्य के सुख की अपेक्षा बहुत गौण समझता है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होती उसका, अंदर के घृणा से उत्पन्न उसको होने लग जाती है। इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाने के बाद यदि गृहस्थ में प्रवेश करता है तो वह ब्रह्मचारी ही रहता है। गृहस्थ में अपने ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर उपार्जित विद्या का एक प्रकार का दोबारा अध्ययन सा करता है, गृहस्थ में रहते हुए वो एक अच्छी संतान पैदा करता है, क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य बल पूरा है, उसका वीर्य बहुत दृढ़ है, उसकी संतान जो होगी वो कभी भी गिरने वाली संतान नहीं होगी, पूर्ण ओजस्वी ब्रह्म वर्चस्व से भरी हुई, योग शक्ति से भरी हुई संतान होगी, उसके अंदर बहुत बड़ा मस्तिष्क का विकास होगा और वो संतान दुनिया का बहुत बड़ा भला कर सकती है, ब्रह्मचारी की संतान। वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है। इसलिए जिन लोगों का ये ख्याल है कि ब्रह्मचारी रहने वाले जंगलों में निकल जाए, वो बड़ी भूल की बात करते हैं, बहुत गलती करते हैं। आजकल के जमाने के अंदर ब्रह्मचारी रहने के लिए आश्रमों में ही रहना चाहिए, संसार में रहना चाहिए। जिन लोगों ने वासना का दर्शन कर लिया है ऐसे व्यक्तियों को जंगलों में जाना ही नहीं चाहिए, वो उनको ये चाहिए कि वो गृहस्थ में संसार में रहते हुए इतने व्यस्त रहे, काम इतने ज्यादा उनको लगे रहे कि वासना चिंतन का समय ही न मिले। एक आदमी प्रातः काल जाकर के अपने दफ्तरों में काम करता है सारा दिन, शाम को आकर के थका हुआ आकर अपने घर में बाल बच्चों से बात करता है, भोजन करता है, सो जाता है, वो ब्रह्मचारी ही बना रहेगा। जो जिसने वासना का दर्शन कर लिया वो व्यक्ति यदि जंगल में जाकर बैठता है तो खाली मन शैतान का वास,
उसका मन शैतान हो जाएगा और वो जंगलों में पत्थरों में भी उसकी कुंवती रहेगी, वृक्षों में भी कुंवती रहेगी, उसका तो एक दिन में 70 बार पतन होगा। जिसने जो वासना लिप्सु आदमी है उसको एकांत में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जंगलों में जाने नहीं चाहिए, वो चाहे कितनी बड़ी उसको दाढ़ी लगी हुई हो, कितने बड़े सिर के ऊपर बाल हो, चाहे उसने विभूति लगा रखी हो, उसको बिल्कुल जंगलों में नहीं जाना चाहिए, उसको संभाल में रहना चाहिए। बल्कि वो सोए तो उसके आसपास 5-7-10 आदमी और सोए और रात को बिजली जगा कर रखे, तभी उसका कल्याण है। और दूसरे आदमी उसको देखते रहे कि क्या कर रहे हैं, तभी वो उसका निरीक्षण उसका संरक्षण हो सकता है। नहीं तो उसके बेचारे का तो पतन ही पतन है, चाहे कितनी जगह रखा हो तो गिरता ही चला जाएगा, थोड़े दिन में उसका मुंह पीला पीला जरूर दिखेगा। इसलिए एक आदर्श ब्रह्मचारी गृहस्थ में ही भी ब्रह्मचारी रहता है, जिसको अनुरागिणी स्त्री मिल जाए, पति पत्नी का प्रेम रहता है, तो उसकी ब्रह्मचर्य बिल्कुल हानि नहीं आती और वो बढ़ता चलता है। स्त्री शक्ति होती है, उसके अंदर उसकी ब्रह्म शक्ति को वो बढ़ाती रहती है, पतन नहीं होता, ब्रह्मचर्य का संरक्षण रहता है और अपने जीवन को वो सफल करती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने इतनी जानकारी दी और मैं तमाम सुनने वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रणाम। अच्छा लगा, ऐसी बात बार बार ऐसी बात। एक चीज रह गई, लेकिन आपने पूछो पूछो अभी पूछो। आपने अपने योग साधना के बारे में तो कहा, लेकिन आपने किस तरह से योग साधना प्राप्त की और किन से की, इस बारे में अभी तक आपने कुछ नहीं कहा। आपकी इस तरफ रुचि कैसे हुई, कैसे आप इस तरफ खिंचे, किसने आपका मार्गदर्शन किया और कैसे आप आज की जगह पर पहुंचे, इस बारे में कुछ बताएंगे? लला मेरे पिताजी थे, वो एक बड़े पवित्र विचार के आदमी थे, विद्वान थे और उपदेशक थे। उन्होंने बचपन से ही हमारे जीवन को संभालने का प्रयास किया। वो योग की बातें हमसे कहा करते थे, योग की अभिरुचि मेरे मन के अंदर रहा करती थी। हमारे मन में ऐसी धारणाएं रहा करती थी कि हमें कोई योग शिक्षा देने वाले ऐसे गुरु मिल जाएं जिनके द्वारा हम योग को समझ सके, इस मार्ग में हमारी प्रवृत्ति बन जाए। मुझे याद है कि मेरे अपनी 14-15 साल की उम्र के अंदर एक जगह जंगल में जाकर के एक अनुष्ठान किया था 40 दिन का, और उस अनुष्ठान के अंदर मैं भगवान शिव की आराधना करता रहा था, उनका चिंतन करता रहा था, योग विधि से ध्यान करता रहा था। वहां से मेरे मन के अंदर ये भावना रहती थी कोई हमें योगी गुरु मिल जाए जिस दिन के द्वारा हमें योग की शिक्षा प्राप्त हो। तो ये विचार करते करते कुछ लोगों ने मुझे हमें योगियों की बातें कहनी शुरू की। एक जगह पर एक क्षत्रिय बालक मुझे मिला, उसने मुझसे कहा योगी मिलते हैं किंतु वो जंगलों में मिलते हैं। एक ने कहा कि योगी मिलते हैं किंतु वो मथुरा वृंदावन की तरफ से मिलते हैं, किंतु मेरी प्रवृत्ति ऋषि की एस की ओर पड़ गई। मैं ऋषि के चला गया, वहां पर मुझे किसी ने बताया था कि योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज का यहाँ आश्रम है, योग साधना आश्रम ऋषिकेश में। उस समय हमारे ऋषिकेश आश्रम का नाम योग साधना आश्रम नहीं था, उस समय केवल मात्र आश्रम का नाम योगाश्रम था। कुछ आसपास और योगाश्रम खुले हुए थे, उन लोगों ने इतराज किया कि योगाश्रम नाम नहीं होना चाहिए, तो हमारे गुरु भाइयों ने उसको बदलवा करके योग साधनाश्रम नाम में उसको परिवर्तित कर दिया। वहां पर मैंने अपने गुरुदेव जी के दर्शन प्राप्त किए। मेरे गुरुदेव योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज थे, और बल्कि ये कहा जाए कि थे नहीं वो हैं। हम अपने गुरुदेव जी को एक साधारण मनुष्य नहीं मानते हैं, हमने ये रिकॉर्ड ढूंढ लिया है उनका कि उन्होंने एक समय में 15-16 शरीर निर्वाण काय से बनाकर के योगिक शिक्षाएं दी, जिनमें 2-4 स्थान भी हम बता सकते हैं। और अब भी वो नेपाल के अंदर एक शरीर से समाधिस्थ है ही है, अपने भक्त बच्चों को जो स्वाध्यायशील व्यक्ति है उनको स्थान स्थान पर उनके उसी जटाधारी स्वरूप से दर्शन हुआ करते हैं, जटाधारी स्वरूप से आते हैं, शिक्षाएं देते हैं। बल्कि कई एक साधुओं ने को श्री गुरुदेव जी ने हमारे पास भेजा। हम एक बार काठमांडू की यात्रा करने के लिए गए नेपाल की, वहां पर एक साधु हमारे पास आया, उसने मुझसे कहा मुझे प्रसाद दीजिए। मैंने उससे पूछा भी कैसा प्रसाद,
कि जैसा भी आप समझे, तो मैंने उसको एक शेर मिठाई का एक डब्बा दे दिया कि तुम खा लो। उसने नहीं लिया, कल के प्रसाद दीजिए, मैं प्रसाद लेने आया हूं। मैंने उससे कहा तुम्हें किसने भेजा है? कहने लगे कि जिनकी आप उपासना करते हैं उनने भेजा है। तो मैंने कहा मैं किनकी उपासना करता हूं? कि आप नहीं जानते? मैंने कहा मैंने कहा मैं जानता हूं, किंतु तुम बताओ मैं, ताकि तुम्हारे बैठ से प्राप्त करूं। तो उसने स्पष्ट श्री प्रभु जी का नाम लिया, मुझे योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज ने भेजा है। मैंने उससे पूछा तुम्हें वो कहां मिले थे? उसने कहा मुझे अभी 3 रोज पहले दरभंगा के जंगलों में मिले थे। दरभंगा के जंगलों में जा रहे थे और वो योगबनी की ओर से गए थे। उनसे मैंने योग शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की, आप योगीराज मालूम पड़ते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम तुम्हें योग शिक्षा नहीं देंगे, तुम काठमांडू चले जाओ। कल हमारा एक बच्चा वहां आएगा, गौशाला में ठहरेगा, उसका नाम चंद्रमोहन होगा, 30-40 व्यक्ति उसके साथ हैं, उसका नाम पूछ लेना, वो तुम्हें प्रसाद देगा तो तुम्हारा जो अधूरा काम वो हो जाएगा ठीक। ये बात उसने बतलाई। तो हमने फिर उसको पुष्प का प्रसाद दिया, फूल का प्रसाद देने के बाद चला गया, कर गया हाँ बस मेरा काम हो गया। तो इसलिए हमारे गुरुदेव जी महाराज जो है वो अमर सिद्ध योगी हैं। जिस प्रकार से गोपीचंद हैं, जिस प्रकार से भर्तृहरि हैं, इसी प्रकार से नित्य भूत जयी तत्वों पर वशीकार प्राप्त करने वाले पूर्ण महासिद्ध, वो अनेक जगह काय निर्वाण से आकर के काया शरीर कायिक शरीर का निर्वाण करके योगोपदेश दिया करते हैं। उनकी चरण शरण हमें ऋषिकेश योग साधनाश्रम में मिली थी, वहां से शिक्षा प्राप्त करके उनका जैसा आदेश हुआ। मुझे एक बात याद आई, गुरुपूर्णिमा के दिन मैं साधारण रूप में श्री गुरुदेव जी के सामने गया था, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या अर्पण करूं, लोग तो मारा चढ़ा रहे थे, भेंट दे रहे थे। तो मेरे गुरुदेव जी ने मेरे मन की भावों को पहचान लिया, वो कहने लगे चंद्रमोहन इधर आ। मैं कहूँ हाँ गुरु जी बतलाई कि तू अपने आप ही सौंप दे, बस अपने आप ही चढ़ा दे। ये उनकी आज्ञा हुई उस समय, मैंने उनके चरणों में सिर रख दिया। उसके बाद ये एक साधारण बात हुई, किंतु मेरे जीवन के अंदर उनकी कृपा से परिवर्तन आता रहा और मैं एक योग प्रचारक के रूप में बदल गया। पहले पहले महाराष्ट्र लाहौर में था, वहां भी हमने योग प्रचार का कार्य किया और भिन्न भिन्न स्थानों में योग प्रचार करते रहे। आज हमारे सारे देश के अंदर हमारे बच्चे हैं और जगह जगह पर योग प्रचार के प्रोग्राम होते हैं, सब योग शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार की प्रगति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद।